नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सिटीज को। हम आपको बता रहे हैं बिहार के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र का हाल, कर रहे हैं माइक्रो एनालिसिस कि किस लोकसभा क्षेत्र के किस विधानसभा क्षेत्र में कौन उम्मीदवार ने बढ़त हासिल करी, किस विधानसभा क्षेत्र में कौन उम्मीदवार पीछे छूट गया और फिर कैसे लिखी गई उस लोकसभा क्षेत्र की जीत की कहानी और कैसे हरा दूसरा उम्मीदवार। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र की, जहाँ से उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा के नेशनल प्रेसिडेंट चुनाव लड़ रहे थे, मौजूदा सांसद भी, लेकिन वे चुनाव हार गए। काराकाट भी हारे, उजियारपुर भी हारे। काराकाट में उन्हें हराया जदयू के महाबली सिंह ने। महाबली सिंह ने 2014 का बदला 2019 में उपेंद्र कुशवाहा से साध लिया और महाबली सिंह जदयू के उम्मीदवार ने उपेंद्र कुशवाहा को हराया 84,542 मतों से, 84,542 मतों से उन्होंने हराया। उपेंद्र कुशवाहा को मत मिले 313,866, 313,866 और महाबली सिंह को मत मिले 398,408 और यहाँ कुल मत गिरे थे 869,546। तो अब आपको हम बताते हैं कैसे कैसे किस विधानसभा क्षेत्र में कौन आगे रहा, कौन पीछे रहा। सबसे पहले बता दें कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं। तो यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके नाम हैं नोखा, डेहरी, काराकाट, गोह, ओबरा और नबीनगर। तो सबसे पहले नोखा विधानसभा क्षेत्र। नोखा विधानसभा क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। उपेंद्र कुशवाहा को नोखा विधानसभा क्षेत्र में मात्र मत मिले 49,517 और महाबली सिंह जो चुनाव जीते हैं उन्हें मत मिला 69,605। अब बात कर लेते हैं देहरी विधानसभा क्षेत्र की। देहरी विधानसभा क्षेत्र में भी उपेंद्र कुशवाहा हारे। उपेंद्र कुशवाहा को मत मिले 45,969 और महाबली सिंह जो चुनाव जीते हैं उन्हें मत मिला 64,942। काराकाट विधानसभा क्षेत्र, काराकाट विधानसभा क्षेत्र में भी महाबली सिंह ही जीते। महाबली सिंह को मत मिला 73,748 और उपेंद्र कुशवाहा को मत मिला 52,454 गोह एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां उपेंद्र कुशवाहा जीते और महाबली सिंह पीछे छूट गए। गोह विधानसभा क्षेत्र में लीड मिली उपेंद्र कुशवाहा को। गोह में मत मिला उपेंद्र कुशवाहा को 62,824 और उनके मुकाबले महाबली सिंह को मात्र 58,574 मत, 58,574। अब बात कर लेते हैं ओबरा विधानसभा क्षेत्र की। ओबरा विधानसभा क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा हारे। उपेंद्र कुशवाहा को मत मिले 58,924 और जीतने वाले महाबली सिंह को मत मिले 61,270 नबीनगर विधानसभा क्षेत्र, बड़ी बढ़त मिली महाबली सिंह को। नबीनगर में उपेंद्र कुशवाहा को मात्र 42,581 मतों से संतोष करना पड़ा, जबकि महाबली सिंह चुनाव जीतने वाले को यहां मत मिला 68,143। तो इस तरीके से 84,542 मतों से महाबली सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को हराया। काराकाट में नोटा गिरा 22,104 मत। तो इस तरीके से काराकाट की कहानी तैयार हुई, जीत की कहानी लिखी गई, हार कैसे हुई आप जान गए, किन विधानसभा क्षेत्रों में कौन हारा, मतलब सिर्फ गो विधानसभा क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा लीड किए, बाकी 5 विधानसभा क्षेत्रों में पीछे छूट गए और महाबली सिंह चुनाव जीत गए। तो आपको हम बता रहे हैं बिहार के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की कहानी और इसके लिए अलग अलग वीडियो लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। यदि अब तक आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। धन्यवाद।